पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी बोथ आर प्रॉफिटेबल। जी हाँ, आज आप हमारी ये खबर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सही बात हम कर रहे हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं बगैर किसी लाग लपेट के। तो आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह को लेकर एक और खबर उड़ गई है। खबर ये कि भाई अक्षय कुमार ने उनके इंसल्ट कर दी। अब आप ये कहेंगे कि अक्षय कुमार ने किस तरह से इंसल्ट कर दी। अक्षय कुमार ने न तो सोशल मीडिया का सहारा लिया और ना ही अक्षय कुमार ने पवन सिंह के लिए कुछ अभद्र टिप्पणियां की। तो उन्होंने किस तरह से पवन सिंह का अपमान कर दिया, तो हम आपको बताते हैं पूरी खबर। आपको तो पता ही है अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में पवन सिंह एक सॉन्ग करने वाले हैं और उसी फिल्म में नेहा कक्कड़ और भी बॉलीवुड के कई दिग्गज सिंगर उसी फिल्म में अपनी आवाज़ देने वाले हैं, यानी गाने के रूप में। अपना एक लुक रिवील किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पर अपना एक लुक रिवील किया बच्चन पांडे का और उसकी रिलीजिंग डेट बताई। रिलीजिंग डेट है 26 जनवरी 2022, यानी कि आज से ठीक एक साल बाद ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी 26 जनवरी 2022। और इस फिल्म के लिए उन्होंने किसका शुक्रिया अदा किया, जैकलिन फर्नांडिस, कीर्ति सेनन और अरशद वारसी। इन लोगों को उन्होंने इस स्टोरी में किसी भी सिंगर, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर और ना ही इस फिल्म से जुड़े किसी भी और टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के लोगों का थैंक्स कहा। कहा तो उन्होंने सिर्फ फिल्म के प्रोड्यूसर और अपने साथ काम करने वाली कास्ट को। तो अब बात का बतंगड़ यहीं से बनना शुरू हो गया। अब भाई जब अक्षय कुमार ने ना ही नेहा कक्कड़ ना ही फिल्म से जुड़े किसी भी सिंगर का नाम लेकर टैग किया, ना ही थैंक यू किया, तो स्पेशली वो पवन सिंह को ही क्यों करेंगे। और बॉलीवुड का कोई भी सितारा हो वो जल्दी किसी सिंगर को टैग करके थैंक्स नहीं कहता, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर और अपने स्टार कास्ट को ही टैग करता है। क्या खड़ा हुआ बखेड़ा, ये खड़ा हुआ कि बच्चन पांडे का तो नाम लिया जा रहा था, पवन सिंह के फैंस ये कह रहे थे कि बच्चन पांडे में पवन सिंह का एक गाना होगा और अक्षय कुमार ने ये क्या किया, उन्होंने तो पवन सिंह को थैंक्स भी नहीं कहा। अब न्यूज़ बनाने वालों को इतना तो समझना चाहिए कि जब अक्षय कुमार ने फिल्म से जुड़े हुए किसी भी सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, किसी को भी थैंक्स नहीं कहा, तो वो स्पेशली पवन सिंह को थैंक्स क्यों कहेंगे किसी और को नाराज करने के लिए। सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और क्या कहिए कि इस पर विवाद खड़ा करना ज़रूरी था। ऐसा नहीं लगता कि लोग बेमतलब पवन सिंह के पीछे पड़े हैं।